हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 21 अप्रैल 2023, जो कि सिविल सेवा दिवस है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भारत में हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूरी तरह से विभिन्न विभागों में भारत के सिविल सेवकों को समर्पित है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 21 अप्रैल की तारीख को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि ये देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के वर्षगांठ का प्रतीक है। पटेल ने 1947 में नई दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में सिविल सेवकों के लिए प्रेरक भाषण दिया था। इस ऐतिहासिक अवसर के दौरान सरदार पटेल ने नवनियुक्त सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम के रूप में संदर्भित किया था। उन्होंने अच्छे प्रशासन के लिए नियम और दिशा निर्देश भी निर्धारित किए। देश का पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। तब से हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। हर साल इस दिन लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकार के जिलों संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह में सभी सिविल सेवक एक साथ आते हैं और लोक प्रशासन के क्षेत्र में लागू की जा रही अच्छी प्रथाओं का व्याख्यान करते हैं। पुरस्कार समारोह का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर केंद्र अपने सीमावलोकन के तरह विभिन्न विभागों के